हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6, जो कि मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कंप्लीट समरी प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने इससे प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ गो बैक टू अवर प्लेलिस्ट एंड हैव अ लुक। इससे क्या होगा, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखिए, सबसे पहला इसमें टॉपिक है लैंडफॉर्म्स। देखिए, हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस जो है हर जगह पे इक्वल नहीं है। उसकी सरफेस कहीं जो है एलिवेटेड है, कहीं पे नीचे धंसा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है, इन्फिनाइट वेराइटी है अर्थ की लैंडफॉर्म पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वेराइटीज़ हैं लैंडफॉर्म के। अब ये देखते कि जो ये लैंडफॉर्म्स है एक्चुअली किस कारण है। देखिए, मेनली जो अर्थ की सरफेस पे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं वो मेनली दो प्रोसेस के कारण, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि अर्थ के अंदर बहुत सारी ऐसी फोर्सेस होती है जो कि जो है अर्थ के अंदर जो मिनरल्स हैं उन सब के मूवमेंट्स वगैरह होती है, जैसे वोल्केनो होता है। तो अर्थ के अंदर बहुत सारे जो फोर्सेज, उसको एंडोजेनिक फोर्सेज कहा जाता है। इन फोर्सेज के कारण क्या होता है कि ये फोर्सेज जब बाहर की ओर आती है तो क्या होगा कि अर्थ की जो सरफेस है वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती है। ठीक है, इन मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो है कहीं पे अर्थ की सरफेस अपलिफ्ट हो जाती है, कहीं सब्सिडेंस हो जाती है और या फोल्ड हो जाता है या फॉल्टिंग हो जाती है। ये सारी चीज़ होने के इन सारी चीज़ जो है ये सारा इंटरनल प्रोसेस के कारण होता है या एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए, एक्सटर्नल फोर्सेस एक ऐसा फिनोमिना है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं, और ये फोर्सेस इन अर्थ के जो एक्सटर्नल जो घटनाएं होती है वो क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण होती है। ठीक है, और मेनली जो ये अर्थ के सरफेस पे जो प्रोसेस होता है वो वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, इन सारी चीज़ के कारण होती है। अब देखते हैं कि वेदरिंग क्या होता है। देखिए, वेदरिंग क्या है, जो हमारे रॉक्स है, मिनरल्स है या सब्सटेंस है, इनका जो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाना जो है वेदरिंग कहलाते हैं। और ये कन्वर्ट कैसा होता है, जैसे तेज हवा का बहना, ठीक है, तेज पानी का फ्लो होना, ठीक है, इन सारी चीज़ के ये जो है एक तरह से इन सारी चीज़ के कारण वेदरिंग होती है। ठीक है, अब देखिए, कोई चीज़ पार्टिकल बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो गया तो क्या, अगर तेज पानी बह रहा है या तेज हवा बह रही तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है हवा के द्वारा या पानी के द्वारा। तीन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरोजन कहा जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज इरोजन। अब जब वो एक जगह लेके जाके डिपॉजिट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, अब ये जो तीन प्रोसेस होता है ये मेनली क्या होता है कि तेज़ हवा का बहना या तेज़ पानी का बहना, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ के कारण ये सारी चीज़ होता है। और इस तरह से डिफरेंट लैंडफॉर्म भी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने रेगिस्तान में देखोगे कि तेज़ हवा चल रही तो एक जगह से रेत जो है रेत इकट्ठा होकर दूसरी जगह एक चोटी बना दिया, टीला टाइप के बना दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है डिफरेंट लैंडफॉर्म बनती है, और वो लैंडफॉर्म कौन सी होती है, और ये लैंडफॉर्म जो है कहीं पे स्लोप, किसी के एलिवेशन, इनके ऊपर हम जो है इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट इज़ क्या होता है कि माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, मेनली हम इन चीज़ के बारे में बात करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, माउंटेन। देखिए, माउंटेन क्या होता है कि एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माउंटेन। ठीक है, और ये अर्थ की सरफेस कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है उसको ही माउंटेन कहा जाता है, और उसके जो सराउंडिंग एरिया वो उसके कंपेरिजन बहुत नीचा होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं माउंटेन जो है मेनली तीन तरह के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, देखिए फोल्ड माउंटेन क्या होता है कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसका जो लेयर है उसको वो लेयर जो है फोल्ड हो जाती है। ठीक है, और एक्चुअली ये क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण होता है। प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर हम ये समझते हैं सिर्फ कि जो अर्थ की लेयर है, ये जो अर्थ की क्रस्ट की जो लेयर है वो जो है फोल्ड हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल हम ये देखेंगे कि ये आल्प्स एंड हिमालय जो है ये हमारे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए कि फोल्ड माउंटेन भी दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है हमारा हिमालय, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली इन इंडिया। ठीक है, देखिए ओल्ड फोल्ड माउंटेन में क्या होता है कि ये माउंटेन बहुत पुराने होते हैं, उनकी जो टॉप पोर्शन है वो क्या होता है, बहुत इरोड हो जाता है, वो जो है
उसकी जो हाइट भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। देखिए ब्लॉक माउंटेन का मतलब कि बहुत लार्ज एरिया जब टूट जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, तो क्या होता है कि उसकी जो कुछ पोर्शन जो है अपलिफ्ट हो जाती है, कुछ पोर्शन जो है सब्सिडाइज हो जाती है। ठीक है, जैसे कुछ पोर्शन जो है ऊपर उठ जाता है, कुछ चीज़ें नीचे धस जाती हैं। तो इसको जो है ऐसे इस प्रोसेस में जो माउंटेन बनते हैं उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और इस प्रोसेस में जो ऊपर उठ जाता है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट, या और जो नीचे धस जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्रेबिन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है राइन वैली एंड वोसेस माउंटेन इन यूरोप। देखिए इसके जो हम एक फिगर के थ्रू देख समझ लेते हैं, जैसे ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ऊपर अपलिफ्ट हो गया उसको हॉर्स्ट बोला गया, जो नीचे धस गए उसको ग्रेबिन बोला गया। ठीक है, ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के। ठीक है, अब देखते हैं कि वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है। देखिए ऐसे माउंटेन जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनते हैं उसको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, देखिए जहाँ पे वॉल्केनो निकलती है तो इसमें क्या होता है कि मैग्मा निकलता है, मैग्मा जब ऊपर आता है और वो सॉलिडिफिकेशन होता है, जम जाता है, ठोस बन जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारी लेयर बनती है, वो निकलते रहता है, फिर जमता रहता है, सॉलिडिफिकेशन होता रहता है, और धीरे धीरे लेयर बनते बनते वो एक तरह से माउंटेन का शेप ले लेती है, जिसको वॉल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एग्जाम्पल को भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है। देखिए माउंटेन के ऊपर क्या होता है, बहुत ठंड होती है, वहाँ पे जो टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, जिसके तो क्या होता है कि पूरी की जो रिवर है वो क्या होता है फ्रोज हो जाती है, जम जाती है, जिसको ही हम क्या कहते हैं ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर क्या होता है कि माउंटेन्स के ऊपर जो भी पूरी नदी जो है जम जाती है उसको जो है ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए माउंटेन रेंज क्या होती है। देखिए माउंटेन रेंज क्या होती है कि जब एक सीरीज ऑफ माउंटेन, जैसे ये दिखा रखा है फिगर में कि सीरीज ऑफ माउंटेन ऐसे ऐसे बनती है, तो उसको क्या होता है कि पूरी सीरीज को जो है हम जो है माउंटेन रेंज कहते हैं। अब देखते हैं कि हाउ माउंटेन आर यूज़फुल। देखिए माउंटेन यूज़फुल कैसे, देखिए माउंटेन में हमने बताया कि बहुत सारे रिवर वहाँ जम जाती है, बहुत सारे रिवर का बेसिन है वहाँ पे, तो क्या होता है कि रिवर जब माउंटेन के ऊपर से नीचे की ओर बहती है तो क्या होता है कि इन रिवरों के ऊपर बहुत सारे रिजर्वर बनते हैं, और उसको जो है बाद में जो है ह्यूमन यूसेस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इन रिवर के ऊपर जो है क्या होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी बनाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में हेल्प करती है, और इन्हीं पानी से जो है जो रिवर आती है नीचे, उन पानी का जो है इरीगेशन में यूज होता है, और माउंटेन के ऊपर वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ पे फॉरेस्ट हैं उससे क्या होता है हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे फ्यूल, फोडर, शेल्टर, और जैसे और प्रोडक्ट जैसे गम हो गए, रेजिन, ये सारी चीज़ हमें वहाँ से मिलते हैं। और इवन माउंटेन के ऊपर बहुत सारे सीनरीज और ऐसे टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो जाते हैं, जो कि एक टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम दूसरा देखते हैं कि जो माउंटेन एक बैरियर के रूप में भी यूज़ होता है, जैसे हिमालय जो है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एक बैरियर एक जो है के यूज़ करते हैं कि नॉर्दर्न साइड से कोई चीज़ तुरंत अटैक नहीं हो सकती जैसे। और इसके अलावा भी विंड जो ठंडी विंड्स आती है उसको रोकती है, इवन जो हमारा रेनफॉल सिस्टम है उसमें भी हिमालय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो क्या है कि माउंटेन के बहुत सारे ऐसे यूसेज हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि प्लेट्यू, व्हाट इज़ प्लेट्यू। देखिए प्लेट्यू क्या है कि एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। ठीक है, जिसका जो टॉप जो है वो क्या होता है टेबल की जैसा होता है। ठीक है, और इसके सराउंडिंग एरिया जो है क्या वो थोड़ा कंपेरेटिवली नीचे होते हैं। ठीक है, और इसकी जो है एक साइड या एक से ज़्यादा साइड क्या स्टीप होती है। स्टीप होने के कारण क्या होता है कि अगर कोई रिवर उसके ऊपर से आ रही है तो बहुत ऊँचे लेवल से वो नीचे गिरती है। जैसे ये अगर टॉप लैंड होता है ऐसे, और इसके ऊपर से कोई रिवर अगर ऐसे नीचे गिरती है तो क्या होता है कि ये जो है रिवर होता है बहुत बड़ा वाटरफॉल बनाती है। ठीक है, जैसे जॉग फॉल हो गया। ठीक है, इंडिया में जो अतिरपल्ली वाटरफॉल इन केरला, ये सारी चीज़ जो है वाटरफॉल बन जाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट जो प्लेट्यू है वो डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, ओल्डेस्ट प्लेट्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो देखिए सबसे हाईएस्ट जो प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू है। ठीक है, अब इन प्लेट्यू का क्या यूसेज है कि क्यों यूजफुल है, इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्या मिनरल्स डिपोजिशन पाए जाते हैं। देखिए अफ्रीकन प्लेट्यू में क्या है जो गोल्ड और डायमंड के लिए बहुत फेमस है। ठीक है,
अब छोटा नागपुर प्लेटू हमारे इंडिया में देखें, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे रिजर्व मिलते हैं जैसे आयरन, कोल, मैगनीज, इन चीज़ का रिजर्व पाया जाता है। कि एक मैंने एक फिगर बनाया जिसमें ये देखते हैं कि प्लेटू का शेप है, इसकी ये साइड ये है और इनकी जो ये साइड कुछ स्टीप है, ठीक है, और ये ऊपर जो टॉप है ये फ्लैट है। तो ये हमारा प्लेटू का एक फिगर हो गया। अब देखते हैं व्हाट इज़ प्लेन। प्लेन क्या है, एक लार्ज स्ट्रेट ऑफ फ्लैट लैंड। देखिए नॉर्मली जो जो ये बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं और उनकी एवरेज हाइट जो सी लेवल से क्या है 200 मीटर है केबल, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होती, प्लेन फ्लैट होता है, ठीक है। अब इन प्लेन की इस फ्लैट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, फार्मिंग, इन सब चीज़ के लिए क्या है, जो प्लेन एरिया है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये प्लेन एक्चुअली क्या होते हैं, रिवर और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उन जो वेदरिंग या इरोजन के कारण जो डिपोजिशन होता है, जैसे हिमालय हो गया या जो पहाड़ हो गया, वहाँ से मिनरल्स और कंकड़ पत्थर और अलिवेल अलिवेल सॉइल वगैरह ये सारी चीज़ क्या होता है कि ये इरोड करके जो है नीचे एक जो है वैली में डिपोजिट करते हैं, वहाँ पे जो है फिर ये एक प्लेन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लेन जो है बहुत ही यूज़फुल है ह्यूमन के लिए क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जो है ये, और इवन ह्यूमन की जो लाइफ कंडीशन है उसके लिए सुटेबल होती है, जिसके कारण जो है प्लेन में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। और इसके लिए जो मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में 1/7 जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन में है। इंडो गैंगेटिक प्लेन जिसमें जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इन ये जो है इंडिया में और यांगजेट इन चाइना में, ये जो है सबसे लार्जेस्ट प्लेन फॉर्म करती हैं, ठीक है। ओके, अब ये हमने बात किया था यही चीज़ की प्लेन यूज़फुल कैसे है, क्योंकि हमने बताया था कि ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, हाउस बिल्डिंग, ये सारी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है प्लेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म एंड द पीपल। देखिए लैंड फॉर्म एंड द पीपल, देखिए इसका मतलब है कि जो पूरे वर्ल्ड में पूरे अर्थ के सरफेस पे जिस जिस वैरायटी ऑफ हमारे लैंड फॉर्म है और वहाँ पे क्या है वैरायटी ऑफ लिविंग है, ठीक है, दैट मीन्स कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंड फॉर्म पे अलग अलग जो है लोग रहते हैं और उनके जो है जीवन यापन या लिविंग स्टैंडर्ड और वहाँ पे रहने की जो पद्धति है वो कैसा है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि माउंटेन में रहना कितना डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, हर चीज़ वहाँ पे क्या है बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इवन फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह से क्या होता है कि हर जो प्लेन एरिया कंपेरेटिवली क्या है वहाँ पर इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ क्या है ईजिली एज़ कम्पेयर टू माउंटेन। तो इसलिए क्या होता है, हमने देखा कि जो है प्लेन में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है कम्पेयर टू माउंटेन। और देखिए इसके अलावा कि माउंटेन में हम देखते हैं कि वो क्या है, एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, जैसे इस फीके में देखेंगे इसमें तो माउंटेन उस पर्पज़ के लिए जो टूरिज़्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देख सकते हैं बहुत माउंटेन में कुछ ऐसे गेम्स भी खेले जाते हैं जैसे जो आइस स्केटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ माउंटेन में होते हो सकते हैं, पैराग्लाइडिंग, ये सारी चीज़ जो है हम माउंटेन में देख सकते हैं। और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये देख सकते हैं जो वोटिंग वगैरह हो सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरे लैंड अलग अलग लैंड फॉर्म पर अलग अलग के तरह के जो है लिविंग और जो है एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कंप्लीट जो है समरी ऑफ द चैप्टर। अब इस चैप्टर के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द हाईएस्ट एंड एक्सटेंसिव प्लेट्यू विच इज़ लोकेटेड इन चाइना। हमने बात की सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, जो तिब्बतन प्लेट्यू, आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्लेन। पहला क्या रखा है, फॉर्म ए दे रखा है, फॉर्म्ड बाई रिवर एंड डियर ट्रिब्यूटरीज, करेक्ट है। मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन, ये भी सही है। फ्लैट टॉप, देखिए फ्लैट टॉप लैंड ये जो है क्या होता है प्लेटी का वो है प्लेन, ये तो आंसर क्या होगा डी, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ मिनरल्स फाउंड इन दी छोटा नागपुर प्लेटू आर। देखिए छोटा नागपुर प्लेटू में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ आयरन, मैगनीज, ये सारी चीज़ वहाँ पर पाया जाता है, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नैरो बॉडीज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर कॉल्ड। देखिए जब ये रिवीजन क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया, इसलिए दोबारा इसको मैंने यहाँ पे रखा है।
जब दो लार्जर बॉडी को एक नैरो बॉडी कनेक्ट करती है वाटर बॉडी, तो उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन सेवेंथ पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन, देखिए 1/7 कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलियन प्लेन, नहीं इंडो ग्रेगेरियन प्लेन, ये सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लैंड फॉर्म विच इज़ रेज्ड एंड फ्लैट टॉप सरफेस, फ्लैट टॉप सरफेस जो है वो होता है किसका होता है, वो प्लेट्यू का होता है। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस, देखिए दोनों प्रोसेस होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, देखिए ब्लॉक माउंटेन की जो हमने एग्जाम्पल देखी थी राइन और बोसेस दोनों होते हैं, तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड, हमने देखा था कि अफ्रीकन प्लेट्यू जो है गोल्ड और डायमंड के फेमस है। ठीक है, आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म्ड ओवर द ईयर ड्यू टू डिप्टिंग ऑफ ओशन प्लेट, नहीं पाइल ऑफ मैग्मा, देखिए वोल्केनिक होता है कि वोल्केनो से मैग्मा निकलता है, तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, देखिए नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ दैट इज क्या कहा जाता है, माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन रेंजेस, फोल्ड माउंटेन, ठीक है देखिए कि ये और ये दोनों क्या हमारा ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है, तो आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि हमारा एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, यंगेस्ट माउंटेन हमने बात किया था हिमालय रेंजेस, यंगेस्ट माउंटेन और अरावली जो है ओल्ड माउंटेन रेंजेस है, तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्लेटू इन इंडिया, ओल्डेस्ट प्लेटू की बात हो रही है तो दैट इज दक्कन प्लेटू, आंसर नंबर बी करेक्ट। विच ऑफ द इंडो गैंगेटिक इंडो गैंगेटिक प्लेन कंप्राइज फ्लड प्लेन्स दैट आर, देखिए इसमें क्या गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस तीनों आते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा समरी प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।